हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं, तो फिर से जो है मैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ, वैसा ही इंटरेस्टिंग जैसा आप पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बाग पर, और ये देखिए पीछे जो ये छतरी आपको दिखाई दे रही है, ये उसी बाग की है जो बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ आके ना बहुत जो है अच्छा लगता है। और ये जो है खेत है गेहूं का, तो जो है आज जो है आपको यहाँ का जो है हम लोग दिखाएंगे, और साथ ही जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिएगा, और वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा, और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जैसे अब तक आपने बनाए रखा है, बनाए रखिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या पीली साड़ी पहन ली है, तो ये देखिए देखिए मेरे पूरे पेट पे साड़ियों पे देखिए जो है कितने सारे चैपे चैपे लग गए हैं, जो सरसों में होते हैं ना, वो देखिए कितने सारे लग गए हैं। ये देखिए, तो इनको मैं हटा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये वाली जो साड़ी है ना, मैंने फर्स्ट बार आज पहनी है, तो मुझ पर कैसी लग रही है। अगर आप लोग बोलोगे कि अच्छी लग रही है, तो ही मैं और ब्लॉग्स में जो है इसे पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। तो चलिए आ जाइए मेरे पीछे, लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, ये देखिए पेड़ जो है सूखा हुआ, इस पर आराम से जो है बैठिए, सर्दियों में जो है धूप सेकिए, बिल्कुल जो है ना सूखा हुआ है ये भी। तो आ जाइए, आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं। आप और फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ जो है ना, देखिए कितने सारे यहाँ से वहाँ तक जो सारे हैं ना बबूल के पेड़ हैं, और बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं जो है जंगल में आ गई हूँ। चारों तरफ जो है बबूल ही बबूल के पेड़ हैं, तो देखिए कितने जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कांटों के बीच में कहीं फंस गई हूँ, क्योंकि चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं बबूल के। तो बिल्कुल जो है ना जंगल वाली जो फीलिंग होती है ना, जहाँ पहले की जो मूवियों में दिखाया जाता था ना, उस तरह से बिल्कुल जो है लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, और ये है ना, ये वाला जो बबूल है ना फ्रेंड्स, ये देसी बबूल है, क्योंकि देसी बबूल जो होता है ना, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, और साथ ही उसके जो कांटे हैं वो छोटे होते हैं, और साथ ही जो है बहुत जो है तीखे पैने होते हैं ये वाले। तो ये जो है प्योर देसी बबूल है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, वो ये देसी बबूल है। तो चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। तो फ्रेंड्स, कुछ जो है ना मुझे बिल्कुल जो है नया देखा मैंने, पहली बार जो मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत जो है अच्छा लगा मुझे। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, कुछ जो है आपको थोड़ी जानकारी भी मिलेगी। आ जाइए, मुझे भी जो है पहली बार यहीं आके पता चला है। फ्रेंड्स देखिए, ये वाले जो पौध है ना, मतलब ये पौध जो तैयार की गई हैं, वो बीजों से जो है तैयार की जाती हैं। ये वाले जो पौध आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से जो है अभी हमने काफ़ी सारी पौध निकाल ली है, आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये जो है टमाटर की पौध है, और ये है गेंदे हजारे की, जो गेंदे का फूल होता है ना, जिसकी मालाएँ बनाई जाती हैं, भगवान को अर्पित की जाती हैं वो। और ये देखिए इस तरह से जो है छोटी छोटी जो है पौध तैयार की जाती है, नर्सरी जिसे बोला जाता है। ये देखिए छोटे छोटे जो है क्यारियाँ बनाई गई हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पौध तैयार करना, नर्सरी। और चलिए आपको जो मुझे बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिला फर्स्ट बार, वो दिखाती हूँ, और बहुत ही अच्छी टेक्निक, बहुत ही जो है अच्छा लगा। तो आ जाइए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है बूंद बूंद सिंचाई के बारे में सुना ही होगा,
और ये एक ऐसी पद्धति है, जैसे हमारा जो राजस्थान है वो एक जो है मरुस्थल जो है बहुत ज़्यादा एरिया है राजस्थान का, तो पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस तरह की जो ये पद्धति होती है ना बूंद बूंद सिंचाई वाली, उससे जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो है जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे जो है इस तरह से सिंचाई करके जो किसान है वो अच्छी आय कमा कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं अच्छी आय, और साथ ही जो है समय की बचत की जाती है और शक्ति की बचत की जाती है। मैन पावर जो है यहाँ इस पद्धति में जो है बहुत कम लगता है और जो है आय भी अच्छी होती है, या इससे समय की बचत होती है क्योंकि बहुत जल्दी जो है इस तकनीक से जो है पौधों को रोपा जाता है और जो है उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। तो चलिए आज जो है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आपको जो है एक बड़ा पाइप दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा पाइप जो है वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, और आप ये देखिए पाइप में जो है ना छोटे छोटे पाइप लगाए हुए हैं, ये देखिए ये जो छोटे छोटे पाइप लगाए हुए हैं और इनमें जो है ये इनकी ठूटी होती है, इसको इस तरह से जो है बंद कर दिया जाता है, ये देखिए बंद हो जाता है और ये चालू हो जाता है, और ये जो पूरा पाइप है वो पूरा वहाँ तक जाएगा लाइन तक, जो आपको दिखाई दे रही होंगी ना पूरी ये क्यारियाँ दिखाई दे रही हैं इस तरह से जो है, देखिए आपको वहाँ से वहाँ तक और वहाँ तक सारे जो है पाइप दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जब मैं पहली बार आई ना यहाँ पे तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि आखिर मतलब जो पौध तो लगती है जैसे हमारे खेत जो है उस पर मैंने इस तरह से नहीं देखा था और आपको दिखाया था, तो वहाँ जो है मैंने साधारण देखा था, और यहाँ पे जब मैंने ये देखा ना कि मतलब पॉलीथीन लगाई हुई है तो मैंने भी ये पूछा कि भई आपने ये पॉलीथीन क्यों लगाई है, तो इन्होंने बताया कि इस तरह से पॉलीथीन लगाने से क्या है खरपतवार जो अगर उगेगी भी तो वो बिल्कुल छोटी होगी जो कि पनप ही नहीं पाएगी, अपने आप सूख जाएगी, और अगर हम वैसे ही लगाते हैं तो क्या है खरपतवार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे नड़ाने के लिए जो है हमें काफ़ी सारे जो है मजदूर लगाने पड़ते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पैसे खर्च होते हैं और साथ ही हमें जो है कई ऐसे केमिकलों का भी यूज़ करना पड़ता है जिससे कि जो क्या है कि ये सब्जियों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम खरपतवार पर उन्हें डालेंगे तो सब्जियों पर भी जो है उनका असर होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से देखिए आप बिल्कुल जो है प्योर ऑर्गेनिक खेती इस तरह से आप कर सकते हैं। राजस्थान में जो है इस तरह से हजार किसान हैं वो खेती कर रहे हैं और लाखों की आय जो है सालाना अर्जित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्या है हमने वो नर्सरी में जो पौध तैयार की थी ना जो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं और उनको जो है वहाँ से निकाला जाता है और इस तरह से जो है ये देखिए सारे जो छेद बना रखे हैं, यानी ये जो है ना बराबर की दूरी पे है जिससे कि हर पौधे को जो है एक बराबर की जगह मिले पनपने के लिए, और इसको जो है यहाँ पे लगाने को बोलते हैं पौधों को रोपना। फ्रेंड्स ये देखिए ये वाली जो पौध है ना, देखिए ये वाली ये है गेंदे हजारे की, तो ये जो है लगाई जाएगी यहाँ पर, जो दो तीन क्यारियाँ बची हुई थी ना उनमें जो है गेंदे हजारा लगाया जाएगा, और आपको जो टमाटर की पौध दिखाई थी वो हमने बिल्कुल जो है हर छेद में लगाई थी, पर जो गेंदे हजारे का पौधा होता है वो थोड़ा फैलता है क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सारे फूल आते हैं इस वजह से, तो इनको जो है हम एक ये जो गोले बन रहे हैं ना इनको एक छोड़ के एक लगाएंगे। तो चलिए मैं भी जो है लगाती हूँ, देखिए देखिए एक एक पौधे लगानी है, बोलते हैं पौध रोपना। ये देखिए रुक गई ना पौध,
और ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉलोथीन में से देखिए ये वाला पाइप, इससे क्या है कि हर जो है ना पौधा उसमें बराबर से पानी जाएगा, तो हर एक पौधे में जो है पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए तो बूंद बूंद से जो है पूरे जो क्यारी है उसमें एक साथ पानी लग जाता है। तो इससे क्या है पानी की देखिए फ्रेंड्स कितनी बचत होती है, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो है बहुत जो है पानी की कमी है। तो इस तरह से और बिना पानी के जो है खेती की ही नहीं जा सकती, तो इस तरह भी जो है हम कम पानी से भी जो है खेती कर सकते हैं, साथ ही जो है अच्छी आय भी अर्जित कर सकते हैं। और आपके यहाँ इस तरह की खेती की जाती है तो ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं ही नहीं, आंटी जिनका ये खेत है वो भी लगा रही हैं, वो भैया भी और लेने गए हैं पौध, और इधर वो देखिए वो भी लगा रही हैं। तो इस तरह से जो है पौध लगाई जाएगी। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूँ, जब भी हम कोई बाड़ी लगाते हैं, क्यारी लगाते हैं ना पौधे वगैरह की, मतलब सब्जी वगैरह की, तो कभी भी जो है बाड़ी में चप्पल लेके नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने अपने स्लीपर खोले हुए, साड़ी इसलिए ऊँची करके क्योंकि यहाँ मट्टी है, और आपको जो है ना उसमें पॉलीथीन के नीचे जो है पाइप जा रहा है पूरा, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए पूरा जो है पाइप जा रहा है, आपको वायर जैसा जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा ना दूर से, ये सारे जो हैं पाइप जा रहे हैं वहाँ तक। और यहाँ पर भी जो है जो गेंदा होता है, गेंदे के फूल होते हैं, गेंदा हजारा जिसे बोला जाता है, उसकी जो है पौध तैयार की जाएगी। और ये देखिए ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पाइप को बूंद बूंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पाइप में जो है ना एक सिमिलर दूरी पर जो है छेद किए जाते हैं, जिससे कि हर पौध में जो है बराबर बूंद बूंद से पानी जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इस पद्धति से को नहीं अपनाते और वैसे नॉर्मली जो पानी देते हैं, तो उससे क्या है कि हमें पूरे खेत में जो है पानी देना पड़ता है, जिससे कि पानी की जो है काफ़ी व्यय होता है, पानी मतलब वेस्ट होता है हमारा पानी, और टाइम भी बहुत लगता है कि पूरा मतलब खेत को, पूरे खेत को भरा जाता है तब जो है उन पौधों में पानी पहुंचता है। पर इस तरह से जो है ना क्यारी बनाई जाती हैं, और ये देखिए पाइप लगा हुआ है, तो इस पाइप में जो है ना बराबर दूरी पे छेद हो रहे हैं। देखिए आपको जो है मिट्टी गीली दिखाई दे रही होगी, तो इससे क्या है कि ये जो छेद किए हुए हैं ना पॉलीथीन में, वो जो है इस तरह से किए जाते हैं कि उस जगह जो है पौध लगाई जाती है। और इसमें देखिए इसको इसीलिए बूंद बूंद बोला जाता है क्योंकि इस पाइप से जो है ना एक साथ प्रेशर से जो है पानी नहीं जाता है पौधे में, जो है बूंद 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 ड्रिप ड्रिप से जो है पानी जाता है। तो उससे क्या है, एक तो देखो समय की बचत हुई, बस कुछ नहीं करना है आपको, मेन पाइप जो है ना उसमें पानी को स्टार्ट करना होता है, और अपने आप जो है ये बस आपको थोड़ी देर के लिए आपका टाइम होता है खर्च, आपको है बस जो इनको ऑन करना है, इस तरह से जो है आपको ऑन करना होता है, जिससे कि जो है पानी पूरी जो है पौधों में पहुंच जाता है, सिमिलर पानी जाएगा सभी में, सारी जितनी भी क्यारियां हैं उसमें। तो आपको यहाँ बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा कि बस हर पौध में आपको जो है पानी देना है, किसी में कम गया है, किसी में ज़्यादा गया है, सिमिलर गया है, और फिर जब आप इसको बंद कर दीजिए। इस तरह से जो है ना बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, और ये जो है मुझे अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट बार मतलब सुना तो था, पढ़ा भी था कि बूंद बूंद सिंचाई होती है, आजकल जो है फवारा से होती है, बहुत जो है तकनीक किसानी में जो है आई है नई नई टेक्निक्स, और हमें नई नई टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना हम अपने समय की बचत कर सकते हैं, शक्ति की बचत कर सकते हैं, और साथ ही जो है अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं सालाना। तो अगर आप लोगों के यहाँ पर भी पानी की कमी है तो प्लीज़ पानी को बचाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन जो है हमें पीने के लिए भी पानी ना मिले, क्योंकि खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। तो हमें खाना जो हम खाते हैं उसको, मतलब जब वो उगेगा तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होगी, साथ ही जो है हमें पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, मतलब पानी पीने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है पानी को आप वेस्ट ना करें और ऐसी ही टेक्निक्स अपनाएं जिससे पानी की कम से कम जो है खपत हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको जो है आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोग इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनको अपना सकें अपनी खेती में और अच्छी आय अर्जित कर सकें।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का प्यार और साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ जो मुझे लगेगा आप लोगों को बताने लायक है, तो ज़रूर जो आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।